नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में। सीतामढ़ी में 3 गोली लगने के बाद भी गार्ड ने कैश वैन को सुरक्षित ऑफिस पहुंचाया। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 रूनी सैदपुर गायघाट गांव के पास 2 बाइक सवार 6 अपराधियों ने L&T फाइनेंस कंपनी के कैश को लूटने के लिए चालक को टारगेट कर उसकी बोलेरो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके कारण चालक को 3 गोली लगी। फिर भी चालक ने हिम्मत दिखाते हुए डुमरा स्थित कंपनी के ऑफिस तक कैश वैन को सुरक्षित पहुंचा दिया। गाड़ी में सवार 2 कैश पीकर सहित 1 गनमैन सुरक्षित है। जख्मी चालक सिमरा गांव निवासी संतोष कुमार को इलाज के लिए शहर के नंदी पंत मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कर दिया गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मरीज जो है अभी ICU में है, लेकिन कॉन्शियस है, लेकिन 48 आवर्स तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 5 यूनिट्स ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया था, पर वो पोस्ट ऑफ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। हमें उम्मीद है कि मरीज सही सलामत। कुमार सिंह चाचा हैं, जो सैदपुर से सीतामढ़ी ATM में पैसा डालने के लिए आ रहे थे L&T कंपनी के द्वारा। उसी दौरान रास्ते में कुछ अपराधी आते हैं, कि दोनों तरफ से बाइक से घेर लेते हैं कार को। उसी दौरान फायरिंग होती है, उनको गोली लग जाती है। उस दौरान वो हॉस्पिटल में लाया जाता है, उनका इलाज अभी चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।